और अभी बन रहा है सबके लिए ऊटनी के दूध का चाय। मैंने कहीं एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि WHO ने शायद अब मिल्क को भी मतलब चाय भी नहीं पीनी चाहिए। नहीं तो अभी भी इसलिए हम अपना ऊटनी का दूध पीती, काऊ का दूध नहीं पीती। अभी भी गाजर का हलवा चखो कभी भी। घर पे होने का दूध के लड्डू और नुक्ती दाना तो ले आना। अभी भी म्यूजिक सुनो कभी भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 1st of March एंड मेरे 30 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 29। सेकेंड लास्ट डे होती आज, सेकेंड लास्ट डे। पिछले 29 डेज से बैक टू बैक वीडियोस बना रहा हूँ और लगभग मेरे को लग रहा है कि 30 डेज व्लॉग चैलेंज होने तक मैं 150 या 200 सब्सक्राइबर खींचूंगा ऑलमोस्ट। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए जरूरी है। और आप भी अगर मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से मेरा वीडियो बूस्ट होगा और लोगों तक पहुंचेगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो कल हो जाएगा 30 डेज व्लॉग चैलेंज का लास्ट डे और देखते हैं कि उसके बाद और क्या करना है, और कोई चैलेंज लेना है या उस चैलेंज को एक्सटेंड करना है। तो नहाना धोना हो गया, पूजा हो गई, सुबह सुबह मैं वॉक पे भी गया था और अभी बजने वाले हैं लगभग 10। गोगल दीदी और मासी उठनी बेच के सो रहे हैं, मासी काम कर रही है, रोजी आंटी ब्रेकफास्ट बना रही है और अनु चाचा रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के वास्ते। अभी भी चॉकलेट बिस्किट का नशा करो कभी भी, बहुत ज्यादा मजा आती। बिस्किट का नशा करने के बाद मैं पीने जा रहा हूँ अपना फेवरेट उठनी लाजवंती का दूध एंड च्यवनप्राश। सुबह सुबह चाय छोड़ो, दूध पिया करो और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो रोजी आंटी बना है सलाद सैंडविच और मैं भी करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट। गोगल दीदी चाय के साथ नाश्ता एंजॉय कर रही है, मैं बिना चाय के साथ नाश्ता एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूध पी चुका हूँ ऑलरेडी। देखो अगर मैं कुछ दिन में मोटा हो गया तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है रोजी आंटी को, क्योंकि एक सैंडविच मेरा पेट भर गया था क्योंकि उससे पहले मैंने दूध और केले खाए थे, लेकिन रोजी आंटी डांट डांट के ज्यादा खिलाती है। तो गोगल दीदी और मासी जा रहे हैं कुछ काम से बाहर, जल्दी आना और सेफली जाना। तो गोगल दीदी और मासी गए, मैं कर रहा हूँ ब्लॉग एडिट और अभी भी आज भी हमारा फोन हैंग होती, लेकिन हम पूरा कोशिश करते कि टाइम पे ब्लॉग एडिट होती टाइम पे। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करो, मेरा वीडियो बूस्ट होगा और मेरे वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो एडिट करते करते बच चुके हैं 3, बड़ा ब्लॉग एडिट हो चुका है, छोटे ब्लॉग को ट्रिमिंग तो कर लिया, अभी वॉइस ओवर करना बाकी है। और अब हो चुका है लंच टाइम, मासी ने मेरा लंच निकाल दिया है। अभी भी गाजर का हलवा चखो कभी भी। मेरी प्लेट में एक वैरायटी ज्यादा है जो कि है पत्ता गोभी की सब्जी विथ बेसन, बहुत टेस्टी लगता है। तो लंच करने के बाद मैं कर रहा था ब्लॉग्स को एडिट और शेड्यूल, ब्लॉग्स एडिट और शेड्यूल हो चुके हैं, टाइम पे आ जाएंगे। और अब हो चुका है चाय का टाइम, यानी कि सस्ते नशे का। तो मैं पी रहा हूँ कॉफी एंड कॉफी के साथ है ढेर सारा चकना। और अभी बन रहा है सबके लिए उठनी के दूध का चाय। इतना सारा नमकीन नहीं खाते मासी, इतना सारा नमकीन नहीं खाते। देखो यकीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन रोजी आंटी ने अभी अपने बालों का राज बताया, बालों में मेहंदी लगाओ, मेहंदी अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो भी राजस्थान की ओरिजिनल सोजत वाली मेहंदी जो सारे फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, वो वाली ओरिजिनल, ऐसे कोई वो मयूर नुपुर और हीना बिना वो नहीं, एकदम नेचुरल वाली मेहंदी, सोजत की मेहंदी। मैंने कहीं एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि WHO ने शायद अब मिल्क को भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिल्क को भी व्हाइट पॉइजन की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। तो इसलिए जो डेयरी मिल्क होता है ना, जो पेस्टराइज मिल्क है, उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब चाय भी नहीं पीनी चाहिए? नहीं, चाय तो पीनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे चाय मत पियो, सबको समझा रहे थे। नहीं, चाय ऐड होती है ना, उसके सारे पॉइजन जो है वो नलीफाई हो जाते हैं, चाय पीनी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। तो अभी भी इसलिए हम अपना उठनी का दूध पीती, काऊ का दूध नहीं पीती। तो वॉक करते करते हम लोग गए थे मंदिर तक, फिर उसके बाद गए सब्जियां खरीदने और फिर कुछ सामान खरीदना था तो उसके जनरल स्टोर पे गए थे। और अब आ चुके हैं घर वापस और अभी मैं करने जा रहा हूँ कुछ पुराने ब्लॉग्स को एडिट और शेड्यूल, और उसके बाद थोड़ी देर में हो जाएगा डिनर का टाइम। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट फूड तहरी, तहरी, तहरी। कुछ लोग इसे वेजिटेबल पुलाव के नाम से भी जानते हैं। तो अन्ना चाचा जो हमारे हैं वो हमको रोज घास फूस खिलाते हैं, भिंडी, तरोई, तहरी, और अपने रोज एग करी, चिकन करी सब खाते हैं। ये गौर से देखिए अन्ना चाचा को, आज फिर चिकन खा के आए हैं और हमें आलू खिलाते हैं। एक बात बताओ, मेरी बाची है, मेरी गोकल है, मेरी मिसेज है, ये लोग नहीं खाते, क्या करूँ उनका। अरे तो वो चलता फिरता रेस्टोरेंट नागौरी का आदमी नहीं की कभी पनीर की सब्जी ले। अच्छा नहीं, घर पे होने का। अरे तो दूध के लड्डू और नुक्ती दाना तो ले आना। वो हाँ वो ले आऊंगा मैं, बाकी होटल के कोई होटल का खाना खराब, होटल खाना सब्जियों का खाना हम नहीं खाएंगे। होटल का खाना नहीं लाऊंगा मैं, रबड़ी ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा, चले ये दिल बाहर की कुल्फी ले आऊंगा, कुल्फी ले आऊंगा, मरके ले आऊंगा। यस, मरके कैसे लाओगे? जी के लाओ, मरके दिवाली में बनते, मरके अभी काम नहीं, साल भर बनते हैं। तो मैं डिनर में खा रहा हूँ दलिया, एंड अभी भी हम डिनर करने के बाद चुपचाप सो जाती। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, मेरे व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो कल शाम को नहीं मिलूंगा।